हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं अरिजीत सिंह जी का जो है इस वाले फोटो का जो है आउटलाइन ट्यूटोरियल आप लोग को मैं देने वाला हूँ। फुल स्टेप बाय स्टेप ये वाला वीडियो होने वाला है। ये जो है पार्ट वन वीडियो है, ठीक है, इसका पार्ट टू भी आएगा। तो मैंने जो है ये वाला फोटो को चूज़ किया है और इस वाले फोटो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, विद ग्रिड और विदाउट ग्रिड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वाले फोटो को ही मैंने चूज़ किया है, आप भी इसको कर सकते हो। और मैं आज आपको फुल दिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको जो है ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखो। तो वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे तो यहाँ पर जो है मैंने जो है पहले एक स्केल से जो है यहाँ पर मैं ग्रिड लाइन को बना लिया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो ग्रिड लाइन में जो ऊपर जो है, ऊपर है 10 बॉक्स 2 सेंटीमीटर करके और साइड में जो है 14 बॉक्स है 2 सेंटीमीटर करके। और ये जो है एक A4 साइज का पेज है, ठीक है, A4 शीट है, और इसमें हम ड्रॉ करेंगे। पहले तो मैंने इसमें ग्रिड ड्रॉ कर लिया है, आपके तरह से जो है ग्रिड को आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। गाइस, यहाँ पर पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप में आपको जो है काउंट करना पड़ेगा बॉक्सेस को, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैंने जो है ग्रिड को बना लिया है इस वाले फोटो में, जैसे कि इस साइड में 14 बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ऊपर है 10 बॉक्स, ठीक है। सेम तरीके से मैंने ग्रिड को कर लिया है और इसमें मैंने जो है ग्रिड मेकर ऐप का यूज़ किया है। तो पहले आपको काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर आई से शुरू करेंगे, इस वाले आई से शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर देख, तो यहाँ पर मैं अभी काउंट करूँगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में यहाँ पर जो है आई है, तो यहाँ पर मैं फिर से काउंट करूँगा 1 2 3 4 5। मार्क कर लिया मैंने यहाँ पर एक, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमारा जो आई शुरू होगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखो, हम आई को बनाते हैं। देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमारा आई का भी ड्रॉ करना हो गया है। अभी जो हमको नोज़ को ड्रॉ करना है, नोज़ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, बॉक्सेस को आप काउंट करो, कहाँ पर कौन सा बॉक्स है, कहाँ पर कौन सा लाइन गया है, वैसे आप काउंट करो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर काउंट करते हुए जैसे सेम तरीके से जैसे आई को काउंट किया मैंने, वैसे ही इसको नोज़ को भी काउंट करके मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। और मैं थोड़ा थोड़ा शेड कर रहा हूँ, वो नॉर्मल चीज़ है एक। और गाइस, ग्रिड को कैसे जो है इरेज करते हैं, उस वाले वीडियो का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख के इस वाले फोटो का ग्रिड को जो आप इरेज कर सकते हो। और गाइज, मुझे आप इंस्टाग्राम के ये वाला ड्राइंग करके मुझे टैग भी कर सकते हो स्टोरी में, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वापस जाकर मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ। पहला चीज़ जो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा फोटो को अच्छे तरीके से, कुछ देर तक पहले आपको फोटो को देखना है, कहाँ पर कौन सा लाइन गया है। पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लेना है, और कहाँ पर कौन सा लाइन जो है, कौन सा फेस का लाइन हो, ये गॉगल्स का लाइन्स हो, बियर्ड्स का लाइन्स हो, लिप्स का लाइन हो, कहाँ पर कौन सा लाइन किस दिख से गया है, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ऐसा आपको देखना पड़ेगा लाइन्स, ठीक है। जैसे कि मतलब आई आपका थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा है तो छोटा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो टिप्स में थोड़ा गड़बड़ी हो गया था, उसके बाद मैंने उसको सुधर लिया है। तो मैं जो है एंड में आपसे मिलता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मिलता हूँ मैं आपको वीडियो के एंड में, ठीक है। तो बाय, मैं मिलता हूँ एंड में। सो गाइस, देख सकते हो हमारा जो फाइनल वर्क है कुछ इस टाइप का हुआ है, ठीक है।
कैसा हुआ है आप मुझे ज़रूर बताना, अच्छा हुआ है या नहीं, ठीक है, एकदम अच्छा मैं बना पाया हूँ या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ फाइनल वर्क हमारा ऐसा हुआ है, तो आप ऐसे बना सकते हो घर में भी, ठीक है, देख सकते हो। थोड़ा तो मिस्टेक रह सकता है, बट मैं उसको जो है ठीक कर लूँगा और कुछ ऐसा बनाए, पर शेडिंग करने के बाद कैसा लगता है वो भी देखेंगे। और ये जो है पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू वीडियो भी आएगा, तो कुछ ऐसा मैंने बना चुका है, इसको मैंने ऐसा बनाया है, तो इसके बाद पार्ट टू वीडियो आएगा, शेडिंग ट्यूटोरियल या कलर से करो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो आज के वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आप समझ पाए हो या नहीं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे 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 पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।